हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैंने शाम से ही शुरू किया है। और आज कुछ खास है, आज है कृष्ण जी की छठी, इसीलिए मैंने अपना सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो कौन कौन मनाता है कृष्ण जी की छठी मुझे बताना कमेंट करके, और किस तरीके से। तो मैं मनाऊंगी, किस तरीके से मनाती हूँ छठी, तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही, मगर आप लोग भी बताना कि आप लोग कैसे करते हैं। और तो बस मैं सो के उठी अभी, और मैंने सोचा चलिए अब तो किचन बुला रही है, किचन में जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ छठी वाले दिन ससुराल में कढ़ी चावल और पूरी सब हलवा ये सब चीज़ बनती है, यानी कि कच्चा पक्का सब बनता है छठी वाले दिन। तो मैं जैसे हम लोगों में छठी होती है वैसे ही कान्हा जी की करेंगे हम, तो मैं भी कढ़ी चावल और कान्हा जी लायक थोड़ी सी पूरी हलवा ये बनाऊंगी। तो मैंने कहा जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ बनाना, क्योंकि टाइम लगता है कढ़ी वगैरह में, फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैंने कहा चलो 4:30 हो रहे हैं और अब बनाना स्टार्ट कर लेती हैं, तो मैंने कहा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। तो चलिए किचन में चलते हैं, कढ़ी बनाते हैं। और कढ़ी मैं आज बिना प्याज के बनाऊंगी, लहसुन बिना प्याज के, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगेगा तो लहसुन प्याज का नहीं लगेगा। तो चलिए बना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये तो लेट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ कढ़ी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने दही को अच्छे से चला लिया है, और इसमें मैं 2.5 चम्मच करीब बेसन डालूंगी, और इसको फिर मैं अच्छे से चला लूँगी। और इसी में ही मैं सारे मसाले डाल दूँगी, सूखे मसाले। तो यहाँ मैं हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, मैं ये सब डाल दूँगी और यहाँ इसको अच्छे से चला लूँगी। आज प्याज लहसुन तो डालना नहीं है, तो मैंने कड़ी पत्ते से आज कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्ची होती ना उससे ही तड़का लगाऊंगी आज मैं। तो यहाँ मैं नमक भी डाल लेती हूँ, तो उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर, जिससे इसे चला लेंगे तो सारे क्या है मसाले अच्छे से मिल जाएंगे दही में, बेसन मसाला दही सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ बस मैं अब गैस पर कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में बस मैं जो मैंने ये मठा बना के रखा है तैयार कढ़ी का, वो मैं डाल दूंगी और इसको चलाती रहूंगी। पानी अपने हिसाब से डालना है आपको, कैसे खानी है कढ़ी। तो यहाँ मैं थोड़ा पानी इसमें और डालूंगी, क्योंकि कढ़ी जितनी खदकती है ना उतनी ही अच्छी लगती है। फिर उसमें पानी कम डालेंगे थोड़ा, तो कढ़ी फिर ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। मुझे कढ़ी गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, पतली कढ़ी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए अच्छे से, ये अच्छे से उबल जाएगी। उसके बाद मैं इसे सिम गैस करके और आधी प्लेट इसके ऊपर ढक के रख दूँगी, तो ये अपने पकती रहेगी। तो यहाँ देखिए कढ़ी अच्छे से खदक रही है, तो मैं पूरी वो सॉरी पकौड़ियाँ सेक लेती हूँ एक साइड। तो यहाँ मैं कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ियों को सेक लूँगी छोटे छोटा, तो वो भी कढ़ी में डाल दूँगी। मैंने पकौड़ियों के बेसन में भी थोड़ा सा नमक डाल दिया था, फीकी पकौड़ी नहीं बनाई थी। तो यहाँ बस पकौड़ी सेक लेंगी। तो यहाँ मेरी कढ़ी अच्छे से खूब खदक चुकी थी, तो यहाँ मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं। देखिए पकौड़ी डाल दी है, और ये कढ़ी मेरी खूब अच्छे से खदक चुकी है। अब मैं यहाँ दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार कर लूँगी पैन में, तड़का पैन में। तो यहाँ मैंने राई ली है और जीरा लिया है और मेथी दाना लिया है, हींग है नहीं। तो यहाँ मैंने उसमें थोड़ा सा पैन में तेल डाला और उसमें ये सब सूखी राई जीरा और मेथी दाना, ये अच्छे से चटकने लगेगा। तो मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्ची होती हैं वो डाल दूँगी। उसके बाद मैं थोड़े से कुछ पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के लिए हैं वो भी डाल दूँगी, और इनको अच्छे से चटका लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कढ़ी में अच्छा सा कलर आ जाएगा। और यही बस अच्छे से मैं अब इसे कढ़ी में डाल दूँगी तड़के को। कढ़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, बहुत टेस्टी, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। Yeah.
घी बनाया था, क्योंकि घी ना सही नहीं था, बाजार का था, तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा घर का घी बना लूँ अच्छा सा, तो ताज़ा, तो बस मैंने वही थोड़ा सा घी भी बना लिया है। कढ़ी बन चुकी है, अब मैं थोड़ा सा कान्हा जी के लिए हलवा बनाऊंगी और उनके लिए ही पूड़ी सेकूंगी, और कोई हम लोग तो पूड़ी खाएंगे नहीं, सब लोग कढ़ी चावल रोटी खाएंगे, तो जो बनता है वो मुझे बनाना पड़ेगा। तो बस टाइम हो रहा है 7 बजे तक, मैं सोच रही हूँ मेरा खाना रेडी हो जाए तो मैं पूजा कर दूँ। तो आज मैंने गौतम से ये वाली ड्रेस मंगाई है कान्हा जी के लिए। पता है मैं उस दिन 2 ड्रेस लाई, मुझे दिमाग में ही नहीं रही कि छठी पे भी चाहिए उनके लिए एक ड्रेस, तो बहुत गर्मी है सही में। तो ये अभी मैंने गौतम से मंगवाई, मैंने कहा कान्हा जी के लिए एक ड्रेस ला दे, ये लेके आया है रेड कलर की। क्या हो रहा है ये वाली, क्योंकि येलो और ब्लू मैं उस दिन ले ही आई थी, येलो में लाई थी, एक येलो कलर की थी एक ब्लू कलर की थी, ब्लू और रेड, तो बोला मम्मी मैं रेड कलर की लेके आऊँगा, तो फिर वो ये वाली लेके आया। मैंने कहा चल ठीक है ले आओ, उनको आज पहना देंगे, अभी हिला के पहना देंगे, छठी के दिन नए कपड़े पहनते हैं ना, तब उनका अपने कान्हा जी को तो पहनाएं। बस मैंने कहा गौतम ले आओ, इतनी बारिश हो रही है उसके बावजूद भी ना बिल्कुल भी ठंडक नहीं है, बहुत गर्मी है, मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा पर पसीने आ रहे हैं पूरे फेस पे। बर्तन साफ़ किए भी, बहुत सारे बर्तन रखे थे, बर्तन भी कर दिए, कढ़ी वड़ी सब खाली करके, कढ़ाई वढ़ाई सब मैंने साफ़ कर दी, घी बनाया था वो भवानी भी साफ़ कर दी। चलिए तो अब मैं फटाफट से हलवा और बना लेती हूँ कान्हा जी के लिए, तो उनका भोग तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जिसमें मैंने कढ़ी बनाई थी वही कढ़ाई को साफ़ करके, और इसमें मैंने अब हलवा बनाना है, तो यहाँ मैंने घी डाल दिया है, घी में मैंने आटा डाल दिया, अब इसको मैं सिम गैस पे अच्छे से भून लूँगी जब तक बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए इसको, और इसको सिम गैस पे ही भूनना है जिससे आटा कच्चा ना रहे और अच्छे से भून जाए। तो यहाँ अच्छे से आटा भून चुका है, तो मैं इसमें यहाँ डाल दूँगी 2 चम्मच करीब चीनी, 2 चम्मच मेरी बड़ी हैं, तो यहाँ मैंने चीनी डाल दी और पानी डाल दिया है थोड़ा सा, अब इसको मैं अच्छे से चलाऊंगी, रोकना नहीं है चलाना है, नहीं तो गांठें पड़ जाएंगी, वैसे गांठें पड़ती नहीं है घी अच्छा डला हो तो। तो देखिए यहाँ मैं इसको अच्छे से चला लूँगी, और जब तक चलाना है जब तक ये हलवा घी छोड़ देगा, और आपको कैसा रखना है गाढ़ा ज़्यादा वैसा पतला हलवा जैसा भी आप खाते हो। तो बस यहाँ देखिए पूरा कढ़ाई में उसने घी छोड़ दिया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा हलवा। तो यहाँ आटे का हलवा बनके तैयार है, हमारे यहाँ ना छठी वाले दिन आटे का ही हलवा बनता है, सूजी का नहीं बनता, तो यहाँ मैंने आटे का ही बनाया है। अब इसमें बस मैं नारियल बुरादा डाल दूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ मेरा खाना कान्हा जी के लिए पूरा भोग तैयार है, चावल भी बन चुके हैं, हलवा भी, कढ़ी भी, पूड़ी, और वहाँ मैंने आज घी बनाया था तो ताज़ा ताज़ा मक्खन भी निकला, तो मैंने मक्खन मिश्री भी रख दिया, तो ये कान्हा जी का भोग तैयार है। तो यहाँ मैं ऊपर आ गई थी, अब अपने कान्हा जी को मैं कपड़े बदलूँगी उनके, तो यहाँ पहले मैं उनको चिन्नामित से नहलाऊँगी, चिन्नामित भी बनाया है मैंने। तो यहाँ हमने अपने कान्हा जी को चिन्ना मिट से नहला दिया है, फिर अच्छे पानी साफ पानी से, और उनको मैं अच्छे से टॉवल से पोंछ दूँगी, उसके बाद मैं उनको नई वाली पोशाक पहनाऊँगी यहाँ पर। तो देखिए नई पोशाक पहन के बैठे हैं आज सिंहासन पर, अब इनका जो मुकुट है उसको भी लगा दूँगी, बड़ी मुश्किल से लगता है इनका मुकुट, छोटे से है ना इसलिए, देखिए यहाँ कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ मैं इनके रोरी चावल से टीका कर दूँगी और उसके बाद मैं इनको भोग चढ़ाऊँगी। तो यहाँ हमारे कान्हा जी अब भोग खाएंगे, तो यहाँ बस मैं उनको भोग लगा दूँगी, उसके बाद बस आरती करनी है मुझे, तो यहाँ मेरे कान्हा जी की छठी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने उनको कढ़ी चावल रोटी सबका भोग लगाया है, और मक्खन मिश्री का जो उनका फेवरेट है वो, तो यहाँ बस अपने कान्हा जी को भोग लगाने के बाद मैं उनकी आरती करूँगी।
तो आज हमारा खाना पीना जल्दी हो चुका है क्योंकि जल्दी शुरू कर दिया था बनाना। तो 9:45 हो रहे हैं और मेरी किचन वगैरह सब क्लीन हो चुकी है, मैंने सब काम कर दिया। अब बैठे हैं, सोने की तैयारी है, मगर अभी सोएंगे नहीं, थोड़ी देर से सोएंगे, इतनी जल्दी नींद नहीं आने वाली। सो जाओ। तो बस आज गर्मी बहुत है, कूलर की हवा भी नहीं लग रही है, इतनी गर्मी है। तो बस बैठे हैं कूलर में और कढ़ी वगैरह सब बहुत टेस्टी बनी थी। और मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना और कमेंट करना, और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।